पूरे देश के अंदर हम जाएंगे और प्रबुद्ध भारत, जो बाबा साहब चाहते थे भारत को बौद्ध में बनाना, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, जहाँ सबके लिए समान अवसर हो, इसीलिए तो इस धम्मरथ की जरूरत पड़ी है, इसीलिए तो मिशन जय भीम की जरूरत पड़ी है, वरना हमें क्या जरूरत थी। 5 अक्टूबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भवन पर करोल बाग में 10,000 लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म दीक्षित होने का काम करेंगे। 2025 तक 10 करोड़ लोग। 10 करोड़ लोग, सर ये संभव हो पाएगा? लोग यहाँ हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पे चल रहे हैं, पूरा जो देश। नहीं, मैं कोई धर्म की बात ही नहीं कर रहा, ना मैं धर्म परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, मैं तो बुद्ध के धम्म की बात कर रहा हूँ, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो। ऐसे रास्ते में सब चले, जातियों को छोड़ दें। छुआछूत मुक्त भारत बने, जातिवाद मुक्त भारत में सब लोग इस बात को माने कि मानवता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इसी बात को लेकर ये धम्मरथ, जिसमें एक संदेश लिखा है कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, और साथ में इसमें यह भी लिखा है कि व्यक्ति से नहीं विचार से जुड़ो, विचारधारा को मजबूत करो, इसी विचारधारा के साथ पूरे देश के अंदर हम जाएंगे और प्रबुद्ध भारत, जो बाबा साहब चाहते थे भारत को बौद्ध में बनाना, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, जहाँ सबके लिए समान अवसर हो, एक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ भारत को मजबूत करने की जो बात है, भारत के संविधान के प्रति जो एक संविधान के प्रति ईमानदारी के साथ उसको मजबूत करने की बात है, उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये धम्मरथ चलेगा। सर, मिशन जय भीम का लगातार एक ही नारा रहता है कि जाति छोड़ो, समाज जोड़ो, लेकिन हम देख रहे हैं कि जाति छोड़ने की बजाय लोग जातियों में और ज्यादा बनते चले जा रहे हैं, जातियों में और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शर्म की बात है, इससे ही देश कमजोर हो रहा है, इसीलिए तो इस धम्मरथ की जरूरत पड़ी है, इसीलिए तो मिशन जय भीम की जरूरत पड़ी है, वरना हमें क्या जरूरत थी। ये बनाया इसलिए ताकि हम लोग पूरे देश के अंदर जाके इस विषमता को, जातिवादी और छुआछूत की जो भावना है उसको, उससे मुक्त भारत का निर्माण करें। 5 अक्टूबर को सर क्या प्लान है आपका? 5 अक्टूबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भवन पर करोल बाग में 10,000 लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म दीक्षित होने का काम करेंगे। और 2025 तक 10 करोड़ लोग। 10 करोड़ लोग, सर ये संभव हो पाएगा? लोग यहाँ हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पे चल रहे हैं, पूरा जो देश। नहीं, मैं कोई धर्म की बात ही नहीं कर रहा, ना मैं धर्म परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, मैं तो बुद्ध के धम्म की बात कर रहा हूँ, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो। ऐसे रास्ते में सब चले, जातियों को छोड़ दें। हमें जाति धर्म की नहीं, मानवता की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है, लोगों को पढ़ाई की जरूरत है, लोगों को रोजगार की जरूरत है, लोगों को छुआछूत मुक्त भारत की जरूरत है, भारत फिर से विश्व गुरु बने जैसा सम्राट अशोक के टाइम पे था, उसको बनाने के लिए हम लोग। आपको नहीं लगता लोगों को मंदिर मस्जिद की जरूरत है, रोजगार की कोई बात नहीं करता है, जातियों को छोड़ने की आप बात? नहीं, वो तो धर्म धार्मिक जो राजनीतिक पार्टी धर्म के नाम पे उन्माद कर रही है, उनको लगता है उनकी सत्ता केवल धर्म से ही बची रह सकती है, वो लोग धर्म के नाम पे उन्माद कर रहे हैं। हमें लगता है मानवता से भारत बचेगा, हम बचे ना बचे, पार्टी बचे ना बचे, लेकिन मानवता बचनी चाहिए, भारत बचना चाहिए, भारत का संविधान बचना चाहिए, हम उसको लेकर चल रहे हैं। सर, आप यहाँ जाति छोड़ने की बात कर रहे हैं और आपके ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को बनिया बताते हैं, मनीष सिसोदिया अपनी जाति बताकर दम्भ भरते हैं, सब अपनी अपनी जातियों का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, आप उनके संदेश को देखेंगे तो वो लोग एक बात और कह रहे हैं कि हम एजुकेशन इस तरह की बच्चों को दें ताकि बच्चों के अंदर से जाति का भाव खत्म हो, मानवता कायम हो, एक दूसरे की इज्जत करना सीखें, जाति धर्म के नाम पे उन्माद ना करें, बल्कि वो भारत से प्यार करें, संविधान से प्यार करें, इसलिए प्रस्तावना भी पढ़ाई जा रही है। ऐसी सरकारों को भारत के लोगों को जरूरत नहीं है, ऐसी सरकारों को ख़त्म करके भारत में एक ऐसा प्रबुद्ध भारत बनाना है जहाँ सबके मन में मानवता सबसे पहले आए। मानवता ही मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। सर, एक सरकार आपकी भी है दिल्ली में, आपकी दिल्ली सरकार क्या कर रही है इस मिशन के प्रति? देखिए, दिल्ली सरकार ऑलरेडी सरकारी स्कूलों के माध्यम से बच्चों के अंदर एक ऐसा वातावरण तैयार कर रही है, उनको इस तरह की शिक्षा दे रही है ताकि वो संविधान के प्रति उनमें आस्था पैदा हो, उनके अंदर मानवता पैदा हो, उनके अंदर नफरत का भाव पैदा ना हो, वो जाति और धर्म के नाम पे उन्मादी ना बने बल्कि सच्चे राष्ट्रभक्त बने। और मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार तो देश की पहली सरकार है जिसने टोटल बजट का लगभग 25% एजुकेशन पे खर्च किया, लगभग 13% हेल्थ पे खर्च किया, और मुझे लगता है सारी सरकारें उसको समर्थन है इस मिशन के प्रति। देखिए, मानवता के लिए तो सभी का समर्थन होना चाहिए, केवल आम आदमी पार्टी नहीं, मैं तो बाकी पार्टियों को भी आह्वान करता हूँ कि भारत में मानवता पैदा हो, वो आए सब साथ। के अलावा कोई और नेता आम आदमी पार्टी का खुल के इस मिशन के बारे में बात क्यों नहीं करता? जब भी हमने सवाल किया किसी भी आम आदमी पार्टी से, आपने बैठी किसी नेता से, तो वो इस पर बोले ही नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मुझे तो जितने भी अपने नेता मिलते हैं वो सब लोग कहते हैं ये अच्छा रास्ता है, ये मानवता का रास्ता है, इसी से भारत मजबूत बनेगा, और मुझे लगता है कि आने वाला समय भारत के लिए बहुत अच्छा है। नेता को यहाँ पे इनवाइट क्यों नहीं किया? मेरी पार्टी के
आज प्रदर्शन था उसी समय वो प्रदर्शन बाई चांस करते हुआ और इधर ये प्रोग्राम पहले से तय था, वरना तो शायद बाकी अपनी पार्टी के क्या बाकी लोग भी जो मानवता पसंद लोग हैं वो लोग आते समाज के रूप में। राजनीतिक लोगों को इनवाइट नहीं किया, समाज के लोगों को इनवाइट किया, वो राजनीतिक लोग भी समाज के रूप में, राजनीति की भी जरूरत पड़ती है, वो राजनीतिक लोग यहाँ आते लेकिन वो समाज के रूप में आते कार्यकर्ता के तौर पर। सर जाति छोड़ो आपने कहा समाज जोड़ो, लेकिन बार बार आप एक अपने भाषण में बात कर रहे थे हमारे समाज के बच्चे, क्या समझे इसका? हमारे समाज का मतलब जो लोग भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, जो मानवता को मानते हैं, जो पूरे भारत में शांति स्थापित करना चाहते हैं, जो पूरे भारत से जुल्म अत्याचार का जो राज खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि पूरे देश में हाहाकार मचा है, पूरे देश के अंदर जाति धर्म के नाम पे उन्माद हो रहा है। आज ही अभी कुछ ही दिन पहले 9 साल के बच्चे की हत्या हुई है गड़े छू लेने मात्र पे। तो क्या ऐसी हत्याओं पे हमें रोशनी प्रकट करना चाहिए? क्या हमें भारत को इस तरह का भारत बनने देना चाहिए? 75वां आजादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाएं हम? सर आपने यहाँ प्रदर्शन क्या क्या, आप लोग राजस्थान भी गए थे इसके लिए? हमारी राजस्थान भी टीम गई है, दिल्ली में भी, पूरे अलग अलग राज्यों में भी हमारी टीम ने धरना प्रदर्शन किया है और ये न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे। रथ का पहला लक्ष्य क्या गुजरात होगा सर? गुजरात से क्या गारंटी की आपका रथ नहीं रोका जाएगा देश में जगह जगह? देखिए रोकने वाले रोकने का काम करें, तोड़ने वाले तोड़ने का काम करेंगे, जोड़ने वाले जोड़ने का काम करेंगे। सर आप जाति छोड़ो की बात कर रहे हैं, आप ही की पार्टी के एक मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो खुलेआम कहते हैं कि मैं राजपूत हूँ। देखिए मैं किसी भी, वो भी एक दम के साथ, मैं किसी भी जाति व्यवस्था वाली बात को मानता नहीं हूँ। और मैं तो सबसे निवेदन करूंगा आपको, किसी को भी अपनी जाति की बात करनी नहीं चाहिए। जाति कोई गर्व की नहीं, जाति शर्म की बात है, मानवता गर्व की बात है। हम सबको मिलकर भारत को मजबूत करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।